नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए हल्दी का खेती। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा हल्दी आप लोग खाते हैं सभी जगह, मतलब जो है आप ब्रांडेड से ब्रांडेड हल्दी खाते हैं। जैसे भी आप मार्केट में देखते हैं, एवरेस्ट हुआ या कोई भी हुआ, MDH हुआ, बहुत तरह के हल्दी होता है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि हल्दी की खेती देखिए किस हिसाब से होता है। अगर आप लोग शहर में है और हल्दी की खेती नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन से रिलेटेड, क्योंकि जो है हल्दी सभी लोग खाते हैं। बिना हल्दी के, बिना नमक के कुछ भी नहीं होता है आज के में हमारे जीवन में। लेकिन हल्दी जो है, देखिए ये है पौधा हल्दी का। अब देखिए ये जरा हल्दी का पौधा ऐसे होता है, आप देख सकते हैं इसको जो है कितने बढ़िया तरीके से जो है ये किसान भाई ने यहाँ पर रोपा है, जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ये हल्दी का पौधा है तो ये जो है कम से कम 1-1.5 महीने पहले इसका हल्दी का जो है रोपनी जो कहते हैं वो किया गया है किसान के द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो चुका है, मतलब जो है अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कम से कम इतना बड़ा, एक हाथ के आसपास ये हल्दी का फसल जो है हो चुका है। क्योंकि यही समय है, मतलब ये अभी सितंबर महीना है, ये बिल्कुल सही समय है हल्दी की खेती करने के लिए। हल्दी की खेती करने के लिए ये सही समय है बिल्कुल, क्योंकि इस समय में हल्दी खेती करने से फ़ायदा ये होता है कि क्या बोलते हैं, छठ और दिवाली का टाइम जो होता है उसमें हल्दी निकल जाता है और अच्छे से अच्छे भाव में जो है यहाँ पे हल्दी जो है बिकते हैं। तो लोग जो है बड़े पैमाने पे करते हैं और छोटे छोटे किसान भाई लोग भी यहाँ पे हल्दी की खेती वगैरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हल्दी खेती इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत फसल यहाँ पर तैयार किया गया है किसान के द्वारा कि देखिए आपको हम बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ, ये सब सारे सारे हल्दी की खेती है बिल्कुल। देखिए ये हल्दी की खेती है, साइड में हल्दी के खेत में ही आम का पेड़ लगा हुआ है, ये सब भी जो बिल्कुल साइड में गन्ना का खेत है। हम आपको और भी वीडियो दिखाएंगे कि अलग अलग फसल का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये है बिल्कुल हल्दी की खेती। इस हल्दी खेती में आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे जो है एक जैसे आलू रोपते हैं उसी तरह से जो है हल्दी को जो है यहाँ पर रोपा जाता है, मतलब छोटे छोटे जो है गीरा जो है होता है वही ज़मीन में बिठाया जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पानी जो गीला होता है खेत, उसमें थोड़ा सा मतलब गीला मतलब जिसमें हाल हो, उसके बाद जो है ये हल्दी अपने आप जो है तैयार हो जाता है। और ये अभी बिल्कुल हरा भरा है क्योंकि इसमें अब 1-1.5 महीना और टाइम लगेगा हल्दी में कम से कम, क्योंकि सितंबर महीने अभी जो है 10-11 तारीख के आसपास है और उसके बाद जो है ये 1-1.5 महीने में क्या होगा कि ये सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। कैसे पता चलेगा कि हल्दी जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये अभी हरा पौधा है ये हल्दी, और उसके बाद ये जब पूरे सूख जाएगा अपने आप मिट्टी में एक तरह से मिल जाएगा ये पौधा, तब समझिए कि हमारा हल्दी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तब जब क्या करते हैं, सब कुछ दिवाली का टाइम आ जाता है तब उसको हम खुरपी के द्वारा या फिर कुदाल या फौरा के द्वारा जो है कहते हैं, जो फर्रा भी कहते हैं कहीं कहीं जगह, उसके द्वारा उसको खोदते हैं, फिर जो है मार्केट मतलब घर पर ले जाते हैं। फिर घर पर ले जाने के बाद जो है क्या करते हैं, उसको धोते हैं अच्छी तरह से, या फिर मिट्टी मतलब निकालना होता है कि क्योंकि खोदने के बाद मिट्टी उसमें लगा रहता है तो मिट्टी जो है निकालना होता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मिट्टी निकालने के बाद क्या होता है कि उसमें धुलाई भी करते हैं, धुलाई करने के बाद सुखाया भी जाता है धूप में कि ताकि जो है ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद सुखाई करने के बाद जो है आप अपने घरों में आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी हल्दी खाने के लिए, तो उसमें भी जो है कुछ करके किसी चीज़ में जो है उखल होता है उसमें, या फिर मार्केट में ज़्यादा पैमाने पे आप करते हैं खेती तो उसमें मशीन के द्वारा जो है पीस के घर में आप खा सकते हैं अपने हल्दी, और मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। ये हल्दी बिल्कुल शुद्ध और 100% जो है प्योरिटी के साथ जो है तैयार होता है। मार्केट का लेते हैं तो उसमें जो है लोग कहते हैं कि चावल भी मिला देते हैं या कुछ और भी मिला देते हैं, कलर भी मिला देते हैं, लेकिन ये हल्दी जो खाएंगे क्यों कहते हैं कि देश के गांव घर के लोग जो है मजबूत हट्टा कट्ठा होता है, क्योंकि मेन चीज़ जो है खाने पीने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है हल्दी और नमक। अगर नमक आयोडीन जो है आयोडीन वाला कोई भी नमक खाएंगे कोई भी ब्रांड का तो आपके शरीर में फायदा करता है, उसी तरह से हल्दी भी आप 100% जो है शुद्धता के साथ खाएंगे तो आपके शरीर में जो है बेनिफिट करेगा और फायदेमंद ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हल्दी का खेती, हम आपको दिखा दिया है कि यही होता है हल्दी का खेती
बैकग्राउंड में आपको पूरे दिख रहा होगा चारों तरफ से कि हल्दी का खेती यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये हरा भरा हल्दी का खेती आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, ताकि और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में घंटे वाली बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, क्योंकि हम जो है अपने चैनल पे किसान भाइयों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह का खेत डिफरेंट डिफरेंट तरह का फसल की जो है खेती हम आपको देखने को मिलता है हमारे चैनल पे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे बढ़िया सब वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।